हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं डीआरके नॉलेज। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी, जिसमें नवीन कृषि व्यूह रचना स्ट्रेटजी, मतलब न्यू कृषि व्यूह रचना जो टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपने बीकॉम एमकॉम कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को अच्छे से जानते होंगे या फिर इस टॉपिक के बारे में सुना होगा, या फिर जो स्टेम जो एग्रीकल्चर के थ्रू या फिर कॉमर्स के थ्रू जो कर रहे होंगे यूजीसी नेट की तैयारी, तो उसके अंदर भी यह टॉपिक आएगा, क्योंकि मैंने नए सिलेबस में इसको अपडेट देखा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, यह सिस्टम क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका अर्थ जानते हैं, मीनिंग यानी अर्थ जानते हैं इसका। तो देखिए, नई कृषि व्यूह रचना से आशय कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए सभी कदमों से लगा सकते हैं मतलब नवीन कृषि व्यूह रचना का आशय हम उन सभी तत्वों से लगा सकते हैं या उन सभी कार्यों से लगा सकते हैं जो उत्पादन के कार्य को बढ़ाते हैं, कृषि के उत्पादन को बढ़ाने वाले कार्यों के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आ जाते हैं। देखिए, जिसके अंतर्गत कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक कृषि उर्वरकों, मतलब वैज्ञानिक द्वारा रासायनिक उर्वरकों बनाए गए उर्वरकों द्वारा अधिक उत्पादन, भूमि सुधार, भूमि को सुधार करने के बाद उत्पादन को बढ़ाना, कीटनाशक दवाइयों द्वारा उत्पादन को बढ़ाना, मशीनों का प्रयोग, उन्नत बीजों, सिंचाई के साधन आदि कृषि उपयुक्त सभी तत्व शामिल होते हैं जो उत्पादन के कार्य को बढ़ाते हैं, उत्पादन को बढ़ाते हैं। इन सभी कार्यों के, इन सभी तत्वों के द्वारा जो उत्पादन को बढ़ाते हैं, उन सभी को हम कह सकते हैं कृषि की व्यूह रचना, उन सभी सिस्टम को हम कृषि व्यूह रचना के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। देखिए आगे, कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार भी समय समय पर अनेक कार्यक्रम व परियोजनाएं बनाती है, मतलब सरकार भी समय समय पर कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम व परियोजनाएं बनाती रहती है। कृषि उत्पादन को तेजी लाने के लिए अनेक क्रांतिकारी कदम भी उठाए हैं सरकार ने। कौन कौन से कदम उठाए हैं, जिनके बारे में बात करेंगे अभी। इन क्रांतिकारी कदमों को हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। मतलब सरकार जो उत्पादन के कार्य को या उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो कदम उठाती है, उनको ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं कृषि व्यूह रचना के उद्देश्य, कृषि व्यूह रचना अपनाने का क्या उद्देश्य है, मतलब कृषि व्यूह रचना को हम एक तरीके से व्यूह रचना, सरकार इन कृषि व्यूह रचना में क्रांतिकारी कदम उठाती है, कृषि व्यूह रचना के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम चलाती है, उनका उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, कृषि की इस नवीन नीति का उद्देश्य अधिक उपज देने वाली बीजों, उर्वरकों, यंत्र व उपकरणों, कीटनाशक दवाइयों आदि का प्रयोग, सिंचाई के साधनों का विस्तार, कृषि साख की व्यवस्था, कृषि विपणन के दोषों को निवारण, मिश्रित खेती आदि द्वारा कृषि उत्पादन को बढ़ाना है। मतलब कृषि व्यूहरचना के अंतर्गत कौन कौन से साधनों द्वारा, देखिए, कृषि के उर्वरकों द्वारा, यंत्र द्वारा, कीटनाशक दवाइयों द्वारा, सिंचाई के साधन द्वारा, कृषि साख व्यवस्था, कृषि के लिए ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था के द्वारा, कृषि विपणन, कृषि को मार्केट, अच्छा बाजार दिलाने के द्वारा, और बाजार दिलाने वाले दोषों को, जो बाजार मिलता है वह अच्छा बाजार मिल जाए, ऐसे दोषों का निवारण करके, मिश्रित खेती आदि द्वारा कृषि के उत्पादन को बढ़ाना इस कृषि व्यूह रचना का मेन उद्देश्य है। कृषि, इस तरीके से कृषि व्यूह रचना को हम कृषि कार्यक्रम बोल सकते हैं, या फिर हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो देख लेते हैं अब कृषि व्यूह रचना के अंतर्गत, देखिए कृषि व्यूह रचना, नवीन कृषि व्यूह रचना का अथवा हरित क्रांति कार्यक्रम या मुख्य तत्व, नवीन कृषि व्यूह रचना के अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम आते हैं, या फिर हरित क्रांति कार्यक्रम, हरित क्रांति के अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम को अपनाया गया नवीन कृषि व्यूह रचना के अंतर्गत, उन कार्यक्रम में तत्वों के बारे में जानते हैं। प्रोग्राम ऑफ मेन रिसर्च, मेन फ्यूचर ऑफ न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इनके बारे में जानते हैं, कृषि व्यूह रचना के मुख्य तत्व या हरित क्रांति के मुख्य तत्वों के बारे में। तो क्रांति का प्रारंभ 1966-67 में हुआ था, नवीन कृषि व्यूह रचना का प्रारंभ 1966-67 में, या हरित क्रांति का प्रारंभ 1966-67 में हुआ था नवीन कृषि व्यूह रचना के अंतर्गत, जिस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित
निम्नलिखित कार्यक्रम अपनाए गए। अब निम्नलिखित कार्यक्रम कौन कौन से कार्यक्रम अपनाए गए? हाँ तो फ्रेंड्स, नवीन कृषि व्यू रचना के अंतर्गत या हरित क्रांति ग्रीन रेवल्यूशन के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं नवीन कृषि व्यू रचना या हरित क्रांति कार्यक्रम के मुख्य तत्वों की। मुख्य तत्वों में बात करें तो नवीन कृषि कार्यक्रम या नवीन कृषि व्यू रचना हरित क्रांति के अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम अपनाए गए जिससे कि उत्पादन में बढ़ावा मिला। अब देखिये, इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन्नत बीज कार्यक्रम, इम्प्रूव्ड सीड प्रोग्राम। देखिए, नई कृषि व्यूहरचना की उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग पर अधिक बल दिया। नवीन कृषि व्यूहरचना के अंतर्गत किस पर प्रयोग दिया? उन्नत किस्म, जिसकी किस्म का अच्छा प्रभाव पड़े, अधिक से अधिक पैदावार हो सके, ऐसी बीजों पर बल दिया गया। अच्छी किस्म के बीज तैयार करने के लिए 1963 में राष्ट्रीय कृषि निगम, राष्ट्रीय बीज निगम तथा 1969 में राज्य फार्म निगम की स्थापना की गई। दो डिपार्टमेंट कौन से? 1963 में राज्य बीज निगम और 1969 में राज्य फार्म निगम की स्थापना की गई। बीज निगम बीज प्रमाण सेवाएं प्रदान करता है, मतलब बीज निगम तो बीज का प्रमाण देता है कि यह बीज एक अच्छी किस्म का बीज है, जबकि फार्म निगम राष्ट्रीय बीज निगम को उन्नत बीज प्रदान करने की व्यवस्था करता है। मतलब यह राज्य फार्म निगम क्या करता है, राष्ट्रीय बीज निगम को बीज का उत्पादन करने के बाद अच्छी बीजों को उसको बीजों का वितरण करने के लिए या बीज का प्रमाणन करने के लिए सौंप देता है। आगे जो कार्यक्रम है वो है रासायनिक उपकरण, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, यूज ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर देखिए, देश में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा पोटास युक्त उर्वरकों का प्रयोग उन उत्पादन को बढ़ाने के लिए हो रहा है जिससे उत्पादन में तेजी से वृद्धि हो रही है। मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटास युक्त उर्वरक जो है, रासायनिक उर्वरक है, उनका प्रयोग से उत्पादन में तेजी से वृद्धि देखने को मिली है। आगे है बहुफसल कार्यक्रम, मल्टी क्रॉप प्रोग्राम। यह कार्यक्रम 1967 या 1968 में प्रारंभ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई क्षेत्रों को प्रतिवर्ष 2-3 फसलें पैदा करना है। मतलब जहां पर सिंचाई योग्य क्षेत्र है वहां पर एक वर्ष में 2 या 3 फसलों का पैदा करना है, मल्टी क्रॉप करना है, मतलब बहु फसल पैदा करना है, जिसके लिए शीघ्र तैयार होने वाली किस्में तैयार की गई, जिसके लिए अधिक से अधिक समय में व कम से कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन हो सके, ऐसी किस्में तैयार की गई। लेकिन अब तक केवल 20% क्षेत्रीय बहु फसल कार्यक्रम का प्रयोग कार्यक्रम लागू हो पाया है। मतलब इस कार्यक्रम के अंतर्गत मात्र 20% इंडिया का ऐसा क्षेत्र है जो इस कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। आगे है लघु सिंचाई योजना। 1965 यानी 1965-66 और 66-67 में अकाल का सामना करने की आपूर्ति योजना के अंतर्गत लघु सिंचाई की विशिष्ट योजनाएं स्वीकार की गई। मतलब 1967-65 से लेकर 67 तक का जो अकाल पड़ा था उसके बाद एक योजना लाई गई लघु सिंचाई योजना, जिसको इसकी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अंतर्गत नलकूप सिंचाई, डीजल पंप और कुआं आदि से विकास सम्मिलित है, मतलब इनका विकास करके इनसे सिंचाई करना सम्मिलित किया गया लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत। आगे है पौध संरक्षण, पौध संरक्षण तथा फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए पौध संरक्षण निर्देशालय तकनीकी सलाह यंत्र व कीटनाशक दवाइयों की व्यवस्था करता है। कौन? नवीन कृषि व्यूहरचना के अंतर्गत कौन करता है? पौध संरक्षण निर्देशालय तकनीकी सलाह यंत्र और कीटनाशक दवाइयों की व्यवस्था करता है पौध संरक्षण, पौधों का संरक्षण करने के लिए। कृषि व्यूहरचना के अंतर्गत अगला कार्यक्रम की बात करें तो अगला कार्यक्रम है संघन कृषि कार्यक्रम। किसानों के अभाव को दूर करने के लिए खाद्यान्न फसलों के जो अभाव है, खाद्यान्नों के अभाव को दूर करने के लिए 1960-61 में 3 जिलों में सघन कृषि योजना प्रारंभ की गई। सर्वप्रथम तीन जिलों में इस योजना प्रारंभ की गई, कौन सी? सघन कृषि योजना। इसके बाद में इस योजना को अन्य जिलों में भी सम्मिलित कर लिया गया, अन्य जिलों तक फैला दिया गया। इस कार्यक्रम को पैकेज कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें गहन कृषि के माध्यम से उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया गया, अधिक से अधिक कृषि क्षेत्र को कवर कर इसमें अधिक से अधिक फसल उगा कर इस तरीके की इस सघन कृषि कार्यक्रम को उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया गया। आगे है कृषि उद्योग निगम।
किसानों को कृषि उद्योग कृषि के काम में आने वाले औजार यंत्र मशीनों आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए लगभग सभी राज्यों में कृषि उद्योगों की स्थापना की गई। अधिक से अधिक मात्रा में किसानों को क्या है उनके यंत्र मशीन जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती थी उनको अधिक से अधिक मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए कृषि उद्योगों की स्थापना की गई। किसके द्वारा? कृषि नवीन कृषि व्यूहरचना के अंतर्गत, हरित क्रांति के अंतर्गत। आगे है कृषि वित्त सुविधाएं। किसानों को महाजनों के चुंगल से मुक्त करने के लिए एवं सस्ती आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकारी समितियों का विकास किया गया, सरकारी सहकारी समितियों का विकास किया गया। साथ ही व्यापारिक बैंक भी कृषि ऋण उपलब्ध कृषि ऋण प्रदान करने लग गई और भूमि विकास बैंक किसानों को दीर्घकालीन ऋण देते हैं, जबकि SBI व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया व्यापारिक बैंक सहकारी साख समिति ग्रामीण बैंक एवं सहकारी एजेंसियां इन्हें अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। 1982 में नाबार्ड की स्थापना का एक उद्देश्य यह भी था कि वह किसानों को कृषि वित्त उपलब्ध करवाए। इस तरीके से किसानों की वित्त उपलब्ध करवाने वाली संस्थाओं की व्यवस्था की गई नवीन कृषि व्यूहरचना कार्यक्रम के अंतर्गत। अगला जो इस कार्यक्रम के अंतर्गत आता है वह उन्नत कृषि किस्म के बीजों का प्रयोग। उन्नत कृषि किस्म के बीजों का जैसे दीर्घ उत्पादन बढ़ाने के लिए शीघ्र यानी जल्दी से जल्दी उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत किस्म के बीजों का विशेष ध्यान दिया गया। में मक्का ज्वार तथा बाजरे के संकटकालीन किस्में थी, मतलब 1960 में मक्का ज्वार बाजरा संकटकालीन किस्में थी जिनका बीजों का एक तरीके से संकटकाल चल रहा था। 1963 में संकटकाल बीजों को बड़ा पैमाने पर प्रयोग किया गया और इसमें यह योजना बनाई 1963 में इन बीजों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए और उन्नत बीजों के उत्पादन में राष्ट्रीय बीज निगम तथा राज्य बीज निगम प्रमाण संस्थान की स्थापना की गई जिनके द्वारा अधिक से अधिक उत्पादन किया गया और इनकी संकटकालीन किस्मों का अधिक से अधिक उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। आगे है कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना। कृषकों को तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना की गई। इन केंद्रों पर कृषि यंत्रों का प्रयोग संबंधी सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। मतलब कृषि केंद्रों की स्थापना की गई थी किसमें? नवीन कृषि व्यूहरचना के अंतर्गत उनको उत्पादन कार्यों को बढ़ाने के लिए कृषि सेवा केंद्र है उनकी स्थापना की गई जिसमें जो कृषि के यंत्र जैसे कृषि से उत्पादन से संबंधित यंत्र है किसानों के ट्रैक्टर है हल वगैरह है उनका प्रशिक्षण दिया जाता है सैद्धांतिक और व्यवहारिक दृष्टि से। नवीन कृषि व्यूहरचना के अंतर्गत हमारा अगला कार्यक्रम है वो है कृषि विपणन। कृषि विपणन के देखिए कृषि विपणन के लिए सरकार ने अनेक प्रयास किए जैसे नियंत्रण मंडियों की स्थापना करना, वस्तुओं का प्रमाणीकरण एवं श्रेणीकरण, सरकारी विपणन समितियों का विकास आदि। कृषि विपणन की सहकारी व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर कृषि सहकारी विपणन संघ, राष्ट्रीय स्तर पर तो कृषि विपणन सहकारी संघ तथा राज्य स्तर पर शीर्ष विपणन संघ की स्थापित किए गए। जिला तथा ग्रामीण स्तर पर सहकारी विपणन समितियों की स्थापना की। कृषि विपणन के अंतर्गत अर्थात कृषि मंडियां स्थापित की गई। कौन कौन सी कृषि मंडियां स्थापित की? राष्ट्रीय स्तर पर तो राष्ट्रीय कृषि सहकारी समिति विपणन और शीर्ष राज्य स्तर पर शीर्ष विपणन संघ और ग्रामीण तथा जिला स्तर पर सहकारी विपणन समितियों की स्थापना की गई। आगे है भूमि सुधार कार्यक्रम। भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार ने भूमि सुधार पर जोर दिया। भूमि सुधार में जोतों की जो किसान अपने खेतों में जोत डालता है उन जोतों की सीमा निश्चित की गई क्षेत्रों के अनुसार जिससे भूमि में सुधार आया, ऊंचे नीचे पहाड़ी क्षेत्रों को सुधार किया गया। आगे है भू संरक्षण। इस योजना में भूमि को सुरक्षित रखने के लिए कार्यक्रम चालू किए गए। विभिन्न राज्यों में कृषि तथा कृषि योग्य भूमि को हवा तथा पानी के कटाव से बचाव करने की व्यवस्था की गई। जहां पर हवा या पानी का कटाव पानी से कटाव होता है वहां पर पेड़ लगाकर उनको भूमि में भू संरक्षण किया गया, भूमि का संरक्षण किया गया। भू पोषण मूल्य तथा समर्थन मूल्य नीति।
इस नीति के अंतर्गत कृषिगत फसलों में के न्यूनतम पोषण मूल्य निर्धारित किए गए। सरकार किसानों को न्यूनतम मूल्य पर गारंटी देती है तथा यदि किसानों के उस मूल्य से नीचे किसानों की फसलों का मूल्य उस मूल्य से नीचे चला जाता है तो उस मूल्य को कृषि उपज को कृषि उस मूल्य पर जो गारंटी सरकार ने दी है उस मूल्य पर कृषि को उपज को सरकार खरीदती है। देश में खाद्यान्नों को कृषि करने के लिए भारतीय खाद्य निगमों की स्थापना की गई। देश में खाद्यान्न फसलों का सरकार जब क्रय करती है उस सरकार कृषि करती है जो क्रय करती है वह करती है भारतीय खाद्य निगम के तहत। इसके तहत क्या करती है सरकार फसलों को जो किसान होता है उस टाइम पोषक मूल्य उसका निर्धारित कर देती है कि इस मूल्य पर अगर इस मूल्य पर अगर भाव यही रहा तो इस मूल्य पर अगर इससे नीचे भाव जाएगा तो सरकार खरीद लेगी, नहीं तो इस मूल्य पर तुम किसान को विपणन मंडियों में बेच ही सकते हो। आगे है कमजोर वर्गों के लिए विशिष्ट परियोजना। छोटे किसानों तथा सीमांत किसानों एवं कृषि श्रमिकों की सहायता के लिए लघु एवं कृषक एजेंसी SFDA तथा सीमांत कृषक श्रमिक विकास एजेंसी MFALDA तथा एकीकृत सूखा भूमि कृषि विपणन IDAD आदि परियोजनाएं चलाई गई। जिन परियोजनाओं के तहत कमजोर वर्गों के लिए विशिष्ट परियोजनाएं चलाई गई, कमजोर वर्ग में अंतर्गत आ देते हैं छोटे किसान सीमांत किसान, इनके लिए अलग अलग परियोजनाएं चलाई गई। कार्यक्रम की बात करते हैं तो शुष्क खेती, देखिए ऐसा किस्म तैयार किया गया या फिर ऐसा किस्म तैयार किया गया इस योजना के अंतर्गत शुष्क खेती योजना के अंतर्गत जिसमें जो शुष्क सिंचाई से अधिक उत्पादन हो सके, मतलब उस बीज को कम से कम सिंचाई की आवश्यकता पड़े और इस तरीके से बीजों का निर्माण किया गया या फिर इस तरीके किस्म तैयार की गई बीजों की जिसमें कम से कम सिंचाई के साथ अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके। अगली है फसल बीमा योजना। किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई जिससे आर्थिक सुरक्षा महसूस कर सके किसान, और इसके लिए कौन सी योजना तैयार की फसल बीमा योजना। आगे है गैर कृषि उद्योगों का विकास। जनसंख्या के भार को कम करने के लिए खाली समय में किसानों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए गैर कृषि उद्योग कृषि से अलग जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, डेयरी फार्मिंग इस तरीके के कुछ गैर कृषि उद्योग जो कृषि के आधारित ही है लेकिन गैर कृषि उद्योगों का विकास पर बल दिया गया जिससे किसान केवल खाली समय पर उनके पास रोजगार के अवसर प्रदान हो सके। आगे है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा निगम या फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स ये योजना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक ये और एक ये जिसको आगे हम बात कर रहे हैं इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा निगम यह योजना जो है कई बार पूछी ये तो देखिए नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM कृषि मंत्रालय के कृषि एवं सहकारिता विभाग ने केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीम राष्ट्रीय कृषि खाद्य मिशन की शुरुआत की। केंद्र सरकार ने कौन सी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन या फिर NFSM की स्थापना की जिसका लक्ष्य 11वीं योजना की समाप्ति तक इस योजना का लक्ष्य क्या बनाया 11वीं योजना की समाप्ति तक गेहूं दाल और धानों का उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि करना था जिसके लिए क्षेत्र विस्तार भी किया गया, भूमि की उर्वरकता बढ़ाई गई और भूमि सुधार भी कई सारे कार्य किए गए जिससे अधिक उत्पादन किया जा सके। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इस योजना का लक्ष्य क्या होना अधिक से अधिक उत्पादन गेहूं दाल तथा धान की अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा निगम और NFSM। आगे है राष्ट्रीय कृषि विकास निगम, राष्ट्रीय कृषि विकास निगम RKVY राष्ट्रीय विकास परिषद ने 19वीं बैठक में राष्ट्रीय विकास परिषद की 19वीं बैठक में राज्यों को अपनी योजनाओं में निवेश के हिस्से में वृद्धि करने के लिए एक कार्यक्रम करने का
निर्णय किया गया। अतः केंद्र सरकार ने 11वीं योजना के लिए 25,000 करोड़ का आवंटन के साथ 16 अगस्त 2007 को आरकेवीवाई की स्वीकृति प्रदान की, जिसका मुख्य उद्देश्य निम्न रखे गए। कौन कौन से? कृषि व समृद्ध क्षेत्रों का सार्वजनिक निवेश में वृद्धि करने के लिए राज्य को प्रोत्साहन करना, कृषि व सार्वजनिक क्षेत्र के सार्वजनिक निवेश में वृद्धि, कृषि के क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि करने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई। कृषि एवं समृद्ध क्षेत्रों के कार्यक्रमों को योजना बनाने तथा उनके क्रियान्वयन में राज्यों को लोकशीलता तथा स्वायत्तता प्रदान करने के लिए यह योजना बनाई गई। कृषि जलवायु को की दवाइयों, तकनीकी तथा प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता तथा आधारित जिला व राज्य स्तरीय योजनाओं का निर्माण करने को या उनके निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए भी यह योजना बनाई गई। अगले है कृषकों को अधिकतम उत्पादन या प्रत्याय मिल सके, स्थानीय आवश्यकताओं, फसलों तथा प्राथमिकताओं की अवधि की अच्छी तरह से सुनिश्चित करना, मतलब स्थानीय आवश्यकता कितनी होती है फसलों की और प्राथमिकताओं की, और स्थान के अनुसार प्राथमिकता कौन सी फसल को प्राथमिकता दी जाए, इस तरह की योजनाओं का उद्देश्य को पूरा करने के लिए खाद्य सुरक्षा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY की स्थापना की गई। तो इस तरीके से राष्ट्र नवीन कृषि व्यूह रचना के हमने अब तक चलाए गए क्रमों के कार्यक्रमों के बारे में देखा, और इस तरीके से नवीन कृषि व्यूह रचना का अर्थ और उनके द्वारा चलाए गए कार्यक्रम या राष्ट्र हरित क्रांति कार्यक्रम, हरित क्रांति के द्वारा राष्ट्रीय कृषि व्यूह रचना के अंतर्गत चलाए गए कार्यक्रमों के बारे में हमने विस्तार से देखा, और इस तरीके से यह हमारा टॉपिक आज का जो है वो पूरा होता है नवीन कृषि व्यूह रचना पर आधारित।